हेलो दोस्तों, आपका दोस्त वसीम रजा एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हो गया है। आज हम अजीमुस्तान भाई के साथ जा रहे हैं इनके घर पे मोटरसाइकिल से। भैया बिल्कुल नौसकिया आदमी है। अभी तक दो बार ऐसा हो चुका है कि भैया लड़ने लड़ने से बच गए, इसलिए मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लूं। क्या अब तक ये लास्ट ब्लॉग हो हमारा। ये देखिए हंसते हुए मुस्कुराते हुए जा रहे है। और भैया वीडियो बनाते हुए चलेंगे, कोई पता नहीं क्या हो, क्योंकि इन्हें चलाना नहीं आता। जहाँ 80-90 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। और ये देखिए, ये देखिए, और ये एकदम क्लिच दबा ले रहे हैं, ब्रेक मारने की नौबत ही नहीं आ रही है। तो ऐसा ना हो हमारे साथ, उससे पहले ये है कि भैया वीडियो बनाते रहो ताकि घर वाले समझ जाए कि किसकी वजह से क्या हुआ। हाँ ये देखिए हमारा किराया है, ये अभी किराया जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और बस अभी अभी जस्ट पीलीभीत से निकले हैं हम लोग। और पीलीभीत एक छोटा एरिया है, बांसुरी नगरी जिसको बोलते हैं, और उधर से कार लेने जाना है तो बस चलते हैं। और ये देखिए आगे से देखिए हम लगातार आगे बढ़ते हुए, और ठंड में बहुत ज़्यादा हम जो है घबरा गए हैं। ठंड में इतनी ठंड पड़ रही है कि हम बता नहीं सकते। अभी एक बंदा साइकिल से जा रहा था और साइकिल से चलते चलते भाग गया। उसकी वजह ये रही क्योंकि यहाँ इस एरिया में शेर बहुत हैं, शेर आया और वो भाग गया। लेकिन कुछ देर के बाद पता चला वो जंगली सुअर था। और ये देखिए ये जंगल का एरिया है, और ये बैठे हुए जंगली शिकारी। और भैया तुम्हें एक राज की बात बताए, ठंड इतनी है कि गाड़ी चलाते चलाते हमारी नाक भी। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं दद्दा के घर पे, और ठंड रास्ते में इतनी थी कि ब्लॉग बनाने का हमें टाइम नहीं मिला। और ये रहा दद्दा का घर, और ये ऊपर है इनका स्टूडियो। और जैसा कि आज भी गाँव में लोग जो है चूल्हे पे ही पकाना पसंद करते हैं ठंड के मौसम में, क्योंकि गैस में वो मज़ा नहीं है। ये देखिए चूल्हा जल रहा है और इस पे हम हाथ सेक रहे हैं अपने, ताकि हमें आराम मिल सके। आइए यहाँ से भी अभी हमें जाना भी है और आपको दिखाते हैं। ये देखिए चूल्हे पे कितनी प्यारी आग है, और इसमें आराम से आप हाथ सेक सकते हैं बहुत बढ़िया करके। जैसा कि दोस्तों बहुत देर चलने के बाद हम गए थे दद्दा के घर पे, और दद्दा हम कहते हैं लाइव वजीफा के ऑनर अजीमुशान मलिक साहब से। ये गत्ता उनके घर से लेके आए और उनकी गाड़ी डस्टर उठा के आए, मोटरसाइकिल वहीं खड़ी कर दी क्योंकि उधर से हम आ नहीं सकते थे। ये गत्ता लेके और मोटरसाइकिल लेके, ये रहे हमारे दद्दा। कैसा लग रहा है कार से उधर से आए, इधर से ठंड में गए थे मोटरसाइकिल से? भाई थक बहुत गए हैं क्योंकि सामान वामान काफी भर के लाना पड़ा उधर से। बाकी कार का सफ़र तो एक कार का ही सफ़र है, और वाहन का जो दो पहिया वाहन है वो ठंड में चलने लायक नहीं है। भैया कहने का साफ साफ मतलब है कि दो पहिया वाहन से ठंड में कहीं जाने का नहीं है, वरना पता ये चलेगा कि घर वालों को सिर्फ फोन आएगा, तुम नहीं आओगे घर पे। ठीक है, ये गत्ता लिया है। इसी के साथ इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।